हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जिस तरह से इसके नाम अलग अलग है, उसी तरह से इसको बनाने के तरीके भी अलग अलग है। गुजरात में इसे मेथी ना गोटा, मेथी ना भजिया या फिर मेथी ना फुलवड़ा भी बोलते हैं, जो रुई की तरह सॉफ्ट और एकदम सफ़ेद दिखते हैं। लेकिन कई लोगों की ये कंप्लेन रहती है कि एकदम लाल हो जाते हैं और अंदर से भी जालीदार सॉफ्ट नहीं बनते। तो आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से और एक्सपर्ट्स जिस तरीके से बनाते हैं, उस तरीके से ये बना के दिखाती हूँ। इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, ये मैं वीडियो के दौरान बताती जाऊँगी, तो पूरा वीडियो ध्यान से एंड तक देखना और अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना। तो यहाँ पर 3 हरी मिर्च, 1 अदरक का टुकड़ा और आधा पंच मेथी ली है, जिसके पत्ते निकाल लिए है और अच्छे से धो लिए है, और आधा कप जितना हरे धनिये के पत्ते ले लिए है, से भी अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया है। अब अदरक को छोड़ के बाकी की तीनों चीजों को बारीक बारीक काट लेंगे। इसमें हमें डंठल का पार्ट नहीं लेना है, इससे टेस्ट कड़वा आएगा और शेप भी अच्छे से नहीं बनेगा। फ्रेंड्स, आज मैं जितनी क्वांटिटी में ही बना रही हूँ, उतनी क्वांटिटी से 4 से 5 लोगों को आराम से नाश्ता हो सकता है। आज हम प्रोफेशनल्स जिस तरीके से बनाते हैं, उस तरह से बनाते हैं, तो ज्यादा कुछ नहीं ऐड करेंगे। 8-10 काली मिर्च के दाने और 1 चम्मच साबुत धनिया को रफली क्रश कर लेंगे। इसे इसी तरह से हाथों से कूटेंगे तो टेस्ट ज्यादा अच्छा आएगा। अब दूसरी ओर तलने के लिए तेल चढ़ा देंगे और इधर हम बैटर बनाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है मेजरमेंट्स, तो आपको इस वीडियो में दिखाए गए मेजरमेंट्स को फॉलो करना है तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर आधा कप पानी, आधा चम्मच नमक और 1 चम्मच तेल ऐड कर दिया है एक बाउल में, और हमने क्रश किए हुए धनिया और काली मिर्च ऐड कर दी है। थोड़े से अदरक को ग्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पर मेथी को मैसर कर लेते हैं, तो दबा के भरोगे तो ये 1 कप जितनी है जो हमने चॉप करके रखी थी, तो इसे इसमें ऐड कर देंगे। बाकी की सामग्री भी ऐड कर देंगे। इतनी मेथी और हरे धनिये के साथ कितना बेसन लेना है ये आपको आइडिया है, इसलिए मैं ये बताती हूँ। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है पहले, बाद में हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। स्टार्टिंग में 1 कप बेसन ऐड करेंगे, बाद में जरूरत के मुताबिक ऐड करते जाएंगे। अब यहाँ पर 1 कप बेसन और आधा कप पानी साइड में रखेंगे और इसे हाथों से अच्छे से मिलाते जाएंगे और बेसन और पानी ऐड करते जाएंगे। मेथी ज्यादा लग रही है तो आधा कप बेसन और ऐड करती हूँ। ध्यान रहे इसे हल्के हाथों से ही मिक्स करें, ज्यादा फेंटे नहीं, वरना ये चिकना हो जाएगा और इसमें जाली पड़ती है वो नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा बेसन और पानी मैंने और ऐड किया है। अब लास्ट में बचा हुआ बेसन और थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। तो बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है। आपको इस तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है, ना ज्यादा पतला ना ज्यादा गाढ़ा। इस तरह से हाथों में लेके गिराते हैं तो ये इजीली इस तरह से गिर जाएगा। मुझे यहाँ पर नमक थोड़ा सा कम लगा तो मैंने 1/3 टीस्पून जितना ऐड किया है। तो यहाँ पर टोटल हमने आधा कप पहले और बाद में 2-3 टेबलस्पून जितना पानी यूज किया और 1 कप मेथी में 2 कप बेसन का यूज किया। अब इसमें 2 चम्मच गरम तेल ऐड कर देंगे और 1 चुटकी जितना सोडा ऐड कर देंगे, यानी कि 1/8 टीस्पून से थोड़ा ज्यादा। ये देखिए चम्मच में ये इतना है, ज्यादा डालोगे तो ये लाल हो जाएंगे। अब इसमें 1 चम्मच जितना नींबू का रस ऐड करके अच्छे से मिला लेंगे। अब यहाँ पर तेल को चेक कर लेते हैं। इस तरह से थोड़ा सा बैटर डाल के देखना, ये धीरे धीरे ऊपर आ जाए तो ये परफेक्ट है। अब बैटर को हाथों में लेके इस तरह से तेल में छोड़ देंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखना है और सारे पकोड़े मीडियम टू लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। इस तरह से लो फ्लेम पे पकाने से आपके मेथी गोटा बिल्कुल सफेद ही रहेंगे, डार्क नहीं होंगे। ये देखिए, लगते हैं ना बिल्कुल मार्केट स्टाइल, सॉफ्ट एंड सफेद। आपको मैं तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए कितने सॉफ्ट और जालीदार बने हैं। गोटा तेल में छोड़ने के बाद आप देख सकते हो कि वो अपने आप पलट रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके गोटे एकदम जालीदार और सॉफ्ट बने हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ना कि हमने बेसन में कुछ नहीं डाला, चावल का आटा, सूजी, तो भी हमारे मेथी गोटा एकदम सॉफ्ट, सफेद और स्पॉन्जी बने हैं। तो एक बार इस तरह से आप जरूर ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताना। तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।